तो दोस्तों इस वक्त मैं साइमन के शोरूम पे काम करता हूँ और साइमन मुझे बहुत सारे काम देता है, जैसे कि गाड़ियाँ डिलीवर करना और गाड़ियाँ खरीद कर शोरूम पर लेकर आना। वैसे ही आज मुझे साइमन ने अपने शोरूम पे बुलाया है और एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है। मुझे लगता है शोरूम पे यहाँ पे कोई ना कोई तो काम जरूर आया होगा, तभी मुझे यहाँ पर साइमन ने बुलाया है। देखते हैं साइमन हमें क्यों बुलाया है और साइमन हमें क्या काम देने वाला है। एक्चुअली ये बाइक कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है ना, लेकिन मैं जल्दी से यहाँ पे साइमन से बात कर लेता हूँ और पूछता हूँ कि साइमन ने मुझे क्यों बुलाया। ओके तो दोस्तों मुझे यहाँ पे पता चल चुका है कि साइमन ने मुझे क्यों बुलाया है, एक्चुअली बहुत ज्यादा खास काम के लिए। खास इतना ज्यादा क्यों है वो अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर के अंदर, लेकिन हम लोग फटाफट से इस गाड़ी को निकालते हैं और चलते हैं सीधा इसे डिलीवर करके आने जहाँ पे इसे डिलीवर करना है। मेरे फोन के अंदर लोकेशन आ चुका है और उस घर पे चलते हैं गाइस। और अभी आपको थोड़ी देर के अंदर ये भी पता चल जाएगा, एक्चुअली गाइस मैं जिस गाड़ी को डिलीवर करने के लिए जा रहा हूँ इस गाड़ी का प्राइस है पूरे के पूरे 2 करोड़ रुपए। और इस गाड़ी को डिलीवर करने के बाद जो गाइस हमें पैसे मिलने वाले, उस पैसे को हमको बहुत ज्यादा सिक्योर करके साइमन के पास लेके आना है। और बदले में साइमन हमें बहुत ही ज्यादा खास चीज देने वाला है। वो खास चीज क्या होगा वो तो साइमन को ही पता है, और साइमन हमें क्या देने वाला है पता नहीं गाइस। लेकिन अभी हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें इस गाड़ी को डिलीवर करना है और लोकेशन भी हमें मिल चुका है। तो ये वाला जो यहाँ पे साइड में रेफ्ट वाला जो घर नजर आ रहा है ये पे हमें गाड़ी को डिलीवर करना है। तो फटाफट से गाड़ी को डिलीवर करते हैं और पूरे के पूरे 2 करोड़ रुपए लेके घर पे चलते हैं सीधा साइमन के पास और अपना गिफ्ट लेकर आते हैं। पता नहीं क्या गिफ्ट मिलने वाला है, मैं तो सोच के काफी एक्साइटेड हो रहा हूँ। अगर आपको पता है तो कॉमेंट में मुझे जरूर से बताना गाइज। और लगता है यही है वो आदमी जिसे हमें गाड़ी डिलीवर करना है, बात करते हैं। ओके ऑल राइट गाइस, बात हो चुकी है और मुझे यहाँ पे पूरे के पूरे 2 करोड़ रुपए मिल चुके और ये बंदा अपनी गाड़ी को टेस्ट करने जा रहा है और आई थिंक उसे गाड़ी भी पसंद आ ही जाएगी। भैया यहाँ पे कोई भी गाड़ी वाला नहीं रुक रहा है, हेलो प्लीज एक्सक्यूज मी, हेलो यार कोई भी बंदा नहीं रुक रहा है जो मुझे यहाँ पे लिफ्ट दे दे और मैं साइमन के शोरूम तक पहुँच जाऊँ। यार अब मैं घर पे कैसे जाऊँगा, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर एक कार खड़ी है, एक्चुअली ये कार के लाइट चल रहे हैं और वो भी टायर के अंदर से। ये तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक कार लग रहा है मुझे। एक्चुअली ये गाड़ी है किसकी, पता नहीं किसकी कार है जो यहाँ पे खड़ी है। शायद इसका ओनर मुझे यहाँ पे घर तक छोड़ दे या फिर मेरी हेल्प कर दे, लेकिन मुझे देखकर तो नहीं लगता इस अजीब सी जगह पे कोई आदमी भी होगा। आई थिंक गाइस मुझे लगता है ये गाड़ी किसी ने खड़ी की है यहाँ पे, चलो इसे ले चलते हैं। वैसे भी ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और इसके लाइट्स तो देखो कितने ज़्यादा यहाँ पे एपिक लग रहे हैं, वो भी ग्रीन कलर के लाइट्स। ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, बट गाइस गाड़ी बहुत ज़्यादा मस्त है और ये भागने में कितनी ज़्यादा प्यारी है यार। चलो अभी चलते हैं हम लोग फटाफट से साइमन के शोरूम पे। वैसे भी हमें एक और भी बहुत बढ़िया चीज़ मिल चुकी है जो ये गाड़ी, ये बहुत ही एपिक कार है यार। आज तक मैंने इतनी ज़्यादा एपिक गाड़ी देखी ही नहीं, कितना ज़्यादा मस्त चलने में। एक सेकेंड, ये पुलिस वाला रास्ते में खड़े होकर क्यों मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, चलो बात करते हैं। एक मिनट, अभी यहाँ पे कुछ हुआ क्या? हेलो, मैं अपनी गाड़ी को देखने के चक्कर में था और यहाँ पर कुछ तो हुआ अभी। पता नहीं भाई वो पुलिस वाला पता नहीं कहाँ जा चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगा यहाँ पे बहुत जोर से कुछ आवाज आया था और मैं पुलिस वाले की गाड़ी देखने में बिजी था। पर छोड़ो यार, पुलिस वाले भी पता नहीं कहाँ जा चुका है और मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है। उससे बढ़िया है कि मैं फटाफट से घर पे ही कर लूँ अपनी ये अच्छी सी गाड़ी लेके। सच में यार ये गाड़ी बहुत ही प्यारी है और रोड पे चलने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ओके तो गाइज अभी मुझे यहाँ पे साइमन का कॉल आ रहा है, साइमन से बात करते हैं और बता देते हैं उसे सारी बात। चलो गाइज यहाँ पे साइमन से मेरी बात हो गई और साइमन को मैंने बता दिया है कि मैं यहाँ पे गाड़ी डिलीवर करके आ चुका हूँ और सारे पैसे भी मेरे पास है। पर साइमन का कहना है कि मैं उसे सुबह आके मिलूँ क्योंकि भाई बहुत रात हो चुका है और एक्चुअली साइमन भी अभी घर जाने वाला है। तो भैया कल सुबह चल के हम लोग यहाँ पे पैसे भी दे देंगे साइमन को और साथ ही साथ चल के अपना गिफ्ट भी ले लेंगे जो साइमन हमें इस 2 करोड़ के बदले में देने वाला है। मैंने बहुत मेहनत करके इससे बहुत ही सेफ 2 करोड़ को घर लेकर आया हूँ, इसके लिए तो गिफ्ट चाहिए यार। चलो अभी सोते और आराम करते हैं थोड़ा सा। मॉर्निंग एवरी वन, यहाँ पे मेरा गुड मॉर्निंग तो हो चुका है लेकिन दोपहर को 3 बजे और यहाँ पे मुझे साइमन के 3-3 मिस कॉल आ चुके हैं। एक्चुअली भाई साइमन तो बहुत गुस्सा कर रहा होगा कि मैं उसका यहाँ पे 2 करोड़ रुपए अभी भी मेरे पास में ही है। चलो जल्दी से चलते हैं। एक मिनट,
ये फायर ब्रिगेड वाले मेरे घर में क्यों घुसे जा रहे हैं? मेरे घर के अंदर आग लगी गई है क्या? क्योंकि फायर ब्रिगेड वाले तो आग बुझाने ही आते हैं। हेलो वेट, ये क्या? हेलो गाइस, ओ नो, ये तो मेरी कार है, लेकिन मेरी गाड़ी और मेरी बाइक दोनों को ही किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से आग से जला दिया है और दोनों ही गाड़ी ब्लास्ट हो चुकी हैं। लेकिन किसने किया यार? ये बहुत ही बुरी तरीके से मेरी गाड़ी को ब्लास्ट किया गया है और एक्चुअली ये कोई सोची समझी मुझे प्लान ही लग रही है, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से तो गाड़ी को बहुत ही बुरी तरीके से ब्लास्ट किया गया है यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसने किया है। अभी मैं आने के बाद देख रहा हूँ मुझे, क्योंकि साइमन के पास बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट जाना है। चल के साइमन से पहले मिल के आता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि ये सब कांड किसने किया है। जिसने भी किया होगा मैं उसे छोड़ने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ही ज़्यादा प्यारी गाड़ी थी जिसको ब्लास्ट कर दिया गया है। और एक्चुअली गाइस वो अच्छा है कि मेरा जो लैम्बोर्गिनी टायर जो है, ये टायर जो बिल्कुल ही सेफ है, और इसे लेके चलते हैं फटाफट से यहाँ पे साइमन के शोरूम पे और उसे पैसे डिलीवर करके आते हैं, क्योंकि साइमन के यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल आ चुका है और मैंने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया है। एक्चुअली रात को बहुत लेट आया था तो मैं बहुत लेट तक सो गया हूँ और उठाऊँ पूरे के पूरे 3 बजे। तो कमॉन भैया, गाड़ी को फटाफट से फास्ट भगाते और पहुँचते सीधा साइमन के शोरूम पे। और ये गाड़ी चलने में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यारी है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है मुझे। साइमन का गुस्सा तो मुझे लगता है शांत है, क्योंकि ये अभी फोटोग्राफ्स क्लिक करने में लगा हुआ है अपनी गाड़ियों के, और एक्चुअली मुझे लगता है ये वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड करने वाला है ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए। तो खैर चलो इसे बात करते और देखते हैं कि ये यहाँ पे गुस्सा है या फिर नहीं, और इसके पैसे फटाफट से देते हैं। इसके लिए मैं पैसे का जो बैग है ये लेकर आ जाता हूँ। चलो ये ब्रीफ कैसे इसे थमाते हैं और फटाफट से अपने गिफ्ट लेते हैं। गाइस यार, एक बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है गुड न्यूज़ है भी या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर आया था साइमन के शोरूम पे उसके पैसे देने के लिए, और बदले में भैया मेरा यहाँ पे जो गाड़ी है, टायर जो कार, ये गाड़ी यहाँ पे साइमन को पसंद आ चुकी है और ये इसके बदले में मुझे बहुत सारे पैसे दे रहा है और ये गाड़ी को लेना चाहता है। भैया इतने सारे कैश मेरे को थमा दिया इसने, और ये पूरे तरीके से यही बोल रहा है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए तो चाहिए, कितने भी पैसे तुम ले जाओ। तो भाई इतने सारे पैसे मुझे दिखा के लालच दे रहा है और मुझे ये बोल रहा है कि अपनी गाड़ी तुम दे दो मुझे। और गिफ्ट तो भैया वो देने नहीं वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत लेट कर चुके हैं इसके पैसे डिलीवर करने में। तो कोई बात नहीं यार, पैसे बहुत ज़्यादा ये बंदा दे रहा है, तो हम लोग अपनी गाड़ी को दे चुके हैं इसे, और ये जो हमारा पैसा था इसके बदले में हमें बहुत सारे ये ऑनलाइन कैश हमें ट्रांसफ़र करने वाला है हमारे बैंक के अंदर। तो चलो गाइस, हमारे लैम्बोर्गिनी टायर जो थी वो फाइनली मैंने अभी दे दिया है वो अभी साइमन को, वो भी परमानेंटली। हमारा जो पैसा है वो थोड़ी देर के अंदर बैंक के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। पहले तो साइमन हमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हो चुका है हमसे, क्योंकि उसे हम लोगों ने इतनी अच्छी गाड़ी दी है। चलो फ्रैंकलिन को मैंने उसके पैसे भी ट्रांसफर कर दिए, और अभी टाइम आ चुका है कि उसकी ये प्यारी लैम्बोर्गिनी टायर जो गाड़ी को चलाने का, एक्चुअली मैं इस गाड़ी को अपने शोरूम पे बेचूंगा और इससे बहुत पैसे कमाने वाला हूं मैं, इतना तो मुझे पता है। ये क्या हो रहा है? ये गाड़ी के अंदर ये क्या चीज कर रही है? ऑलराइट गाइस, मैं घर पे पहुंचने वाला हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ घर पहुंचते हुए, क्योंकि बैंक में मेरे यहाँ पे सारे पैसे आ चुके थे जो ट्रांसफ़र कर रहा था साइमन को, और उस सभी पैसों के मैं बहुत सारी शॉपिंग करके आया हूँ, वो मैं आप लोगों को सुबह दिखाऊंगा। फिलहाल बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ मैं, तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से नींद लग रही है इस वक्त। कम ऑन गाइस, अरे यार गाइस, अभी तो सोने के लिए आया था मैं, ये इतनी ज़ोर से आवाज़ क्या आई है? ये तो किसी चीज़ की ब्लास्ट होने की आवाज़ है। धुआं, ये धुआं तो मेरे घर के बाहर से आ रहा है, एक्चुअली ये तो मेरे गैराज से आ रहा है। ये तो मेरी रेंज रोवर है जो मैं अभी अभी साइमन के शोरूम से मांग कर ला रहा हूँ, और ये गाड़ी ब्लास्ट कैसे हो गई? और ये तो लैम्बोर्गिनी टायर जो है जो मैं साइमन के शोरूम में देख कर आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर पहले, ये टायर जो कार मेरे यहाँ पर घर के बाहर क्यों है और कैसे आई है? अजीब बात है यार, कुछ तो गड़बड़ है। ये लैम्बोर्गिनी टायर जो मेरे घर पे कौन छोड़ कर गया है, और मेरी यहाँ पर गाड़ी को किसने ब्लास्ट किया? रुको, अभी मैं यहाँ पर साइमन को कॉल करके पूछता हूँ। बट ये क्या, साइमन का कॉल नहीं लग रहा है, साइमन का कॉल स्विच ऑफ आ रहा है। चल के उसके शोरूम पे ही देख लेते हैं। एक्चुअली अभी साइमन तो शोरूम पे ही होगा, क्योंकि ये लैम्बोर्गिनी टायर जो मेरे घर पे है
तो जरूर वो ढूंढ रहा होगा इस लैम्बोर्गिनी टायर्ज़ों को, या फिर उसने ही भिजवाया होगा मेरे घर पे। लेकिन जिस बंदे ने इसको मेरे घर पे लेकर आया, वो बंदा कहाँ पर गया और मेरी गाड़ी कैसे ब्लास्ट हो गई, ये सब कुछ तो बहुत ही अजीब है यार, समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुका बहुत ज़ोर से, लेकिन साइमन का शोरूम तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बंद हो चुका है। पर साइमन कहाँ है इस वक्त? साइमन का कॉल भी नहीं लग रहा है और साइमन का शोरूम भी बंद है। और साइमन को शोरूम पे जो मैंने गाड़ी छोड़ के गया था, वो गाड़ी मेरे घर पे। वेट, अरे नहीं, ये क्या हुआ? ये शोरूम्स की सारी गाड़ियां एक एक करके अपने आप ही ब्लास्ट कैसे हो गई? ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है यार, ऐसे कैसे ये ब्लास्ट हो सकती है? बारिश के अंदर गाड़ियों में आग कैसे लग सकता है? मुझे तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, और ये सब गड़बड़ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी की वजह से हो रहा है। जब से ये कार मुझे मिली है, कुछ ना कुछ मुझे गड़बड़ लगता ही जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है ये गाड़ी की वजह से हुआ है। एक काम करता हूँ यार, यहाँ पे मुझे कहीं पर भी गाइस अभी साइमन नज़र नहीं आ रहा है, और यहाँ पे गाड़ियाँ भी ब्लास्ट हो गई है, और ये गाड़ी अचानक मेरे घर पर आ गई है, और ये अजीब अजीब सी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इस गाड़ी की वजह से हो रहा है। मैं इस गाड़ी को पुलिस स्टेशन पर ले आके छोड़ देता हूँ। साइमन को लेना होगा तो वो पुलिस स्टेशन से जाके ले लेगा। हेलो, वेट, ओह नो प्लीज, साइड हो जाओ। अरे मैं इस गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ लिटरली भाई, मैं इस गाड़ी को लेफ्ट लेके जा रहा हूँ, राइट जा रही है, और मैं ब्रेक लगा रहा हूँ तो ये गाड़ी एक्सीलेट हो रही है, और सामने वाली गाड़ी को कितना बुरी तरीके से ठोका है ये कार। लिटरली भाई मुझे लग रहा है कि ये गाड़ी कोई नॉर्मल कार नहीं है, एक कोई हॉन्टेड कोई गाड़ी है जिसे मैं रास्ते से उठा कर ले आया हूँ, और जरूर इसी गाड़ी ने साइमन के साथ भी कुछ गड़बड़ किया है। वेट यार, मुझे कुछ करना होगा। ये गाड़ी अल्टीमेट चली जा रही है, कहीं पर तो टकराई है ये गाड़ी, लेकिन ये गाड़ी अभी भी रुकने का नाम नहीं ली। ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अरे यार, ये कितनी ज़्यादा खतरनाक है मुझे अभी समझ में आ चुका है, कुछ तो गड़बड़ किया है। इस साइमन के शोरूम पे जाकर साइमन को भी इसी ने मारा है। मुझे कूदना होगा गाड़ी से। ओके, अभी मैं सेफ हूँ, फाइनली मैं सेफ हूँ गाइज। एक काम करता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे इस गाड़ी को ब्लास्ट कर देना चाहिए, वरना ये फ्यूचर में जाके और भी बड़ी गड़बड़ कर सकता है। मेरे पास एक ये इलेक्ट्रिक शॉक गन है, और मैं इतनी तगड़े इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा हूँ वो भी रेडियस के साथ, फिर भी इस गाड़ी को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कैसे हो सकता है? ऐसी गाड़ी तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, और वो भी ये कार इतनी पावरफुल है। मैं सोच रहा हूँ इस गाड़ी को यहाँ पे स्टिकी बॉम्ब लगा के ब्लास्ट करता हूँ गाइस। रुको, ब्लास्ट से भी ज़्यादा तगड़ी तो ये होगी कि मैं इसके ऊपर बहुत सारे ऑयल गिरा दूँ और फिर इसे ब्लास्ट करूँ, ताकि ये बचने का कोई भी चांस ना हो इस गाड़ी के, क्योंकि मुझे इतना पता है गाइस, ये गाड़ी यहाँ पे कोई हॉन्टेड या फिर कोई भूतिया गाड़ी तो ज़रूर है, और वरना ये कोई गाड़ी इसे कोई ना कोई तो रिमोट से कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि भाई ये गाड़ी यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जस्ट अपने आप ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, और ये गाड़ी जिससे भी टकरा रही थी वो गाड़ी अपने आप ही ब्लास्ट हो जा रहा था। पर मैं इस गाड़ी को बहुत ही बुरी तरीके से ब्लास्ट कर चुका हूँ इस वक्त, और मुझे नहीं लगता कि अभी ये गाड़ी वापस से कोई ठीक हो पाएगा। इसको एक स्टिकिंग बॉम्ब मार देते हैं और चलो यहाँ से भागते गाइस। अभी आई थिंक ये गाड़ी कभी ठीक नहीं होने वाला है गाइस। आपको ये कमेंट में जरूर से बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।